चलिए अपना नया चैप्टर हल्का ले लेंगे। अब उससे रिलेटेड ये पहला असाइनमेंट है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी चीज बोली है, फॉर ईच पेयर ऑफ कंपाउंड स्टेट विच कंपाउंड इज बेटर असाइन टू सबस्ट्रेट, है ना। मतलब यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये 6 पेयर दिए हैं। इनमें आपको बता रहे हैं कि असाइन टू के लिए बेटर सबस्ट्रेट मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना, और क्यों, है ना। इसमें पहला है 2-मिथाइल-1-आयोडोप्रोपेन और दूसरा इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंड है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड और इसमें दूसरा है 1-ब्रोमो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन एंड क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, इसके बाद है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन एंड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, फिर फिफ्थ वाला है 2-2-डाइमिथाइल-1-क्लोरोब्यूटेन और ये है 2-क्लोरो-ब्यूटेन, उसके बाद क्या है 1-आयोडो-2-2-डाइमिथाइल-प्रोपेन और ये है इट आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है ना। तो इनमें समझ में आ गया क्या करना है हमको, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है एसएन टू के लिए और क्यों ये बताना है, ठीक है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसएन टू, ये क्या है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, इसमें बेंजाइल क्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड विथ ओ एम ई एट पैरा पोजिशन, देन थर्ड में बेंजाइल क्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड विथ एनओ टू एट पैरा पोजिशन, उसके नेक्स्ट वाले में बेंजाइल क्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड विथ एनओ टू एट मेटा पोजिशन, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, जो बोला है वही करना है। थर्ड वाला जो है इसमें क्लोरोइथेन व्हेन ट्रीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5ONA डाइएथाइल ईथर इज ऑब्टेंड एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें बोला है ऑन द अदर हैंड व्हेन क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विथ C2H5ONA इन एसिटिक एसिड एज द सॉल्वेंट तो क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट इज इथाइल एसिटेट। तो ये डिफरेंस क्यों आया ये समझाना है ना, दिस इज रीजनिंग क्वेश्चन। इसके बाद फिर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग वाला ही है। इसमें क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ 1-क्लोरोप्रोपेन विथ एक्वस NaCN ऑकर्स एट स्लोअर रेट, एडिशन ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ NaI इंक्रीजेस एसएन टू रिएक्शन ग्रेटली, है ना, एक्सप्लेन, ने समझाना है इसको। इसके बाद फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एसाइन टू रिएक्शन यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन लीविंग ग्रुप्स और न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पर इस कंपाउंड का रिएक्शन ओ एच निगेटिव से दो जगह पर आयोडीन है, सेकेंड वाले में ब्रोमीन और क्लोरीन ने रिएक्शन किससे करवाया, दैट इज विद अमोनिया, थर्ड वाले में दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड इसमें दो जगह पर नाइट्रेट है, रिएक्शन किससे करवाया N3- दैट इज अजाइड आयन, है ना। डी वाले में इसमें दो जगह पर नाइट्रोजन है, रिएक्शन करवाई किससे हमने, दैट इज विद दिस ये 1-क्लोरो-2-फिनाइल-ईथेन, है ना। ई वाले में क्या, दिस इज ईपोऑक्साइड इसका रिएक्शन करवाया किससे, दैट इज विद ETO-, है ना। इसके बाद एफ वाला जो है इसमें ना कंपाउंड में दो जगह पर आयोडीन है, रिएक्शन करवाया किससे, दैट इज विद SH-, है ना। जी वाले में फिर से दो जगह पर क्लोरीन है, रिएक्शन करवाया किससे, ट्राई इथाइल फॉस्फीन, है ना। एच वाले में एक जगह पर आयोडीन है, दूसरी जगह पर ब्रोमीन, रिएक्शन किससे करवाया, दैट इज विद CN-, है ना। आई वाले में कंपाउंड में क्या है, ईथर लिंकेज है, एक तरफ एक कार्बन पर ब्रोमीन है और 1, 2, 3 और इधर से फोर्थ कार्बन पर आयोडीन है, रिएक्शन करवाया किससे, दैट इज विद इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इनके आंसर्स आप बनाइए, फिर इनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।